पन्ना में गिद्धों का बहुत अच्छा आवास है। तो आवास क्यों है, आप लोग एक थोड़ा सा सोचिए। गिद्ध दो प्रकार के होते हैं, या तो वो रॉक शेल्टर माने जहाँ पे पत्थर होते हैं उस पत्थर पे अपना आवास बना लेते हैं, माने पत्थर ऐसा खड़ा रहेगा उसके आवास नहीं बना पाएगा, एक पत्थर ऐसा खड़ा रहेगा उसके नीचे एक शेल्फ आएगा, माने कुछ टूटा हुआ हिस्सा उसको बैठने के लिए चाहिए। इसमें दो प्रकार के मतलब दो प्रजाति के गिद्ध रहते हैं, एक तो लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो कहते हैं इंडियन वल्चर कहते हैं उसे, दूसरा इजिप्शियन वल्चर कहते हैं, अदरवाइज उसे स्कैवेंजर वल्चर कहते हैं। पहला वाला तो काला मुंह होता है, ये जो दूसरा वाला पीला मुंह का होता है, और तीसरा चौथा जो दो मतलब अपने रेजिडेंट मतलब गिद्ध है वो किंग वल्चर या रेड हेडेड वल्चर, ये पेड़ों पर रहते हैं। और इसी प्रकार के दूसरे व्हाइट बैक वल्चर माने पीछे उसकी हिस्सा थोड़ा व्हाइट सा होता है लेकिन पूरे मतलब काला होता है, वो भी पेड़ पे रहते हैं। इसके अलावा भारत में पूरे 9 प्रकार के गिद्ध हैं, बाकी छोड़ दें हिमालय से यहाँ तक 3 प्रकार के गिद्ध आते हैं, एक सिनरस वल्चर है बहुत ही कम संख्या में रहता है, दूसरा यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर और तीसरा हिमालयन ग्रिफिन वल्चर। तो लेकिन हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, लॉन्गबिल्ड वल्चर, इनको पहचानना आपस में अलग अलग दशाओं में, माने वो बच्चे होते हैं उस प्रकार के होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो दूसरे प्रकार के, मैच्योरिटी में दूसरे प्रकार के, इनको पहचानना काफी कठिन है। यहाँ पे इसीलिए मतलब वल्चर की एक प्रामुख्यता ज्यादा है क्योंकि वी डू हैव यहाँ पे अपने पास विंध्यन रेंजेस है, चारों तरफ से कहीं पर भी जाइए आपको क्लिप्स मिलेंगे, क्लिप्स माने शेल्फ मिलेगा बैठने के लिए, और इसी प्रकार के सतपुड़ा की तरफ भी मतलब है, इनाल प्रोबेबिलिटी आपकी वेस्टर्न घाट्स में भी होंगे और ईस्टर्न घाट्स में भी होंगे, माने पत्थर का आवास होना गिद्धों के लिए खासकर दो गिद्धों के लिए बहुत जरूरत है। तो इसी के हिसाब से लेकिन साथ में ये पेरेंटिंग करते हैं तो दोनों माता पिता मिलकर करते हैं, साल में एक अंडे पर दे पाते हैं और लगभग 60 से 65 साल जीते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि एक साल किसी कारण से इनकी चूजी या अंडे गिर के मर गए समय के बाद, वो फिर उस साल के लिए वो कोई प्रजनन नहीं कर पाते, माने ये स्लो ब्रीडर्स हैं, 20-21 साल के बाद ही बच्चे दे पाते हैं, ये एक बेसिक जानकारियां हैं। तो बाकी गिद्धों के ऊपर जिनका मतलब ज्यादा रुचि है कर सकते हैं, आपके इलाके में देखिए, अदरवाइज मैं गिद्धों को कैसे देखता हूँ, मेरे लिए गिद्ध एक कार्निवोर का इंडिकेटर है, माने कार्निवोर कौन, आपका टाइगर पैंथर जो भी होगा, ये किसी को मार गिराएगा, यदि आप फोर्सेस के दूसरे लोगों की भाषा में सुनते हैं कैंप फॉलोअर्स कहते हैं, माने राजा चलता रहता है उनकी भोजन बनता है, पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं बचा हुआ खाना खा लेते हैं, ऐसे ये दोनों चलते रहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, ये मार गिरा जो खाना है उसको समाप्त कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा इसका फायदा ह्यूमन वेलफेयर के लिए तब हुआ जब हम लोगों का मवेशी मर गया, आधे एक पौने घंटे के भीतर उसको समाप्त कर देते थे, लेकिन उस अवस्था से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। जितने भी कैरेटस पड़े रहते हैं उसको कुत्ते खाते हैं, रैबिड होते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियां आपके लिए फैलते हैं। तो गिद्धों का संरक्षण मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरत है। यदि पारिस्थितिक तंत्र को हम पूरा समझना चाहेंगे तो उसमें फाइनल फायदा मानव का भी होगा, साथ में गिद्ध आपको फ्री फंड में काम कर सकते, तो कोई मर जाता है वहां पे सड़ते हैं आप बगल से नहीं निकल पाते हैं, तो गिद्धों को जैसा कि आप लोगों ने कौओं को भी जोड़ा है बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों का क्वालिटी ऑफ जो क्वेश्चन है मैंने सब लिख रखा हूँ, आई विल राइट ए राइट अप एंड सेंड इट बैक टू यू, मैं मतलब रंजीत साहब से कहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही रोचक लगा आप लोगों का प्रश्न का स्तर और उसका तर्क करना। But what are we require in India? It's a sustained development. जैसे साहब कहते हैं, द्वंद से कोई मतलब नहीं है। यदि हम संवहनीय विकास करना चाहेंगे, तभी देश का कोई भविष्य है। भविष्य किसका है? हम लोग तो निकल जाएंगे 10-15 साल में, आपका, आपके बच्चों का, वही खत्म हो जाएगा क्या दुनिया? दुनिया तो बहुत अगला चलेगा। अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी दुनिया को बचाने की जरूरत है। जय हिंद।